और दोस्तों YouTube चैनल सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि सारा नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। JIB सेवियर बैंक प्रमोशन के संबंध में यहाँ बात कर रहे हैं CIB का BFM का मॉक टेस्ट नंबर 2 है। बोलते हैं वाई एक्सचेंज रेट फॉर परचेज और सेल ऑफ फॉरेन करेंसी आर मोस्ट अनफेवरेबल। बोलते ऐसा क्यों होता है कि एक्सचेंज रेट जो होता है परचेज या सेल करने का फॉरेन करेंसी ज़्यादातर अनफेवरेबल होता है। ए ऑप्शन है होल्डिंग कॉस्ट ऑफ करेंसी इज हाई, बी ऑप्शन है बैंक डज नॉट गेट एनी एक्सचेंज कमीशन, सी ऑप्शन है बैंक रन्स द कॉस्ट ऑफ काउंटरफिट करेंसी, डी ऑप्शन बोथ ए एंड सी, ई ऑप्शन है ऑल ऑफ दिस। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ए कि जो होल्डिंग कॉस्ट होता है वो ज़्यादा कॉस्टली हो जाने की वजह से दिक्कत होती है, यानी ए ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है इन इंडिया विच टाइप ऑफ रेट इज एप्लीकेबल इज अप्लाइड। बोले भारत में कौन सा रेट अप्लाई होता है, ए ऑप्शन डायरेक्ट, बी ऑप्शन डायरेक्ट, सी ऑप्शन है फिक्स रेट, डी ऑप्शन है वेरिएबल रेट, ई ऑप्शन नन ऑफ दिस। सही ऑप्शन हो जाएगा ए डायरेक्ट रेट। डायरेक्ट रेट का मतलब होगा डॉलर US डॉलर 1 के बराबर इतने रुपए, यानी डॉलर जो है फिक्स्ड है, यानी फॉरेन करेंसी फिक्स्ड है और होम करेंसी चेंज होगा। अगर भारत की बात करें तो एक्सचेंज रेट डिसाइड बाय होम, भारत में एक्सचेंज रेट कौन डिसाइड करता है, ए ऑप्शन है RBI, बी ऑप्शन FEDAI, सी ऑप्शन है IBA, डी ऑप्शन है मार्केट फोर्सेस, ई ऑप्शन है नन ऑफ दिस। तो सही ऑप्शन हो जाएगा डी मार्केट फोर्सेस भारत में डिसाइड होता है, एक्सचेंज रेट कौन डिसाइड करेगा मार्केट फोर्सेस। क्वेश्चन नंबर 4 है द कोटेशन यूएस डॉलर 1 इज इक्वल टू रुपीज 44.40 टू रुपीज 44.50 इज। बोलते जो कोटेशन है यूएस डॉलर 1 के बराबर 44.40 से आपका 44.50 है वो क्या है, ए ऑप्शन है वह एवरेज रेट है, बी ऑप्शन है डायरेक्ट रेट है, सी ऑप्शन है डायरेक्ट रेट है, डी ऑप्शन है आपका क्रॉस रेट है, ई ऑप्शन है नॉन ऑफ दिस है। सही ऑप्शन हो जाएगा सी, ये हो जाएगा डायरेक्ट रेट हो जाएगा, ठीक है। इसको डायरेक्ट रेट बोल रहे क्योंकि फॉरेन करेंसी फिक्स्ड है और होम करेंसी चेंज हो रही है। क्वेश्चन 5 व्हेन नोस्ट्रो अकाउंट ऑफ द बैंक इज क्रिएटेड बिफोर द पेमेंट ऑफ द टेंडर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज विच ऑफ द फॉलोइंग रेट्स विल बी अप्लाइड। बोलते जो नोस्ट्रो अकाउंट होता है बैंक का वो क्रिएट किया जाता है पेमेंट करने का टेंडर जो फॉरेन एक्सचेंज का उससे पहले, ताकि पे कौन सी रेट अप्लाई होगी, ए ऑप्शन TT बाइंग रेट, बी ऑप्शन TT बिल्स बाइंग रेट, सी ऑप्शन TT सेलिंग रेट, डी ऑप्शन है बिल्स सेलिंग रेट। सही ऑप्शन हो जाएगा ए TT बाइंग रेट। क्वेश्चन नंबर 6 व्हेन नोस्ट्रो अकाउंट ऑफ द बैंक इज क्रिएटेड लेटर देन द पेमेंट ऑफ टू द टेंडर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज विच ऑफ द फॉलोइंग रेट्स विल बी अप्लाइड। बोलता है जो नोस्ट्रो अकाउंट होता है बैंक जिसको क्रिएट किया जाता है बाद में जो पेमेंट किया जाएगा टेंडर जो फॉरेन एक्सचेंज का होगा तो कौन सी रेट अप्लाई होगी, ए ऑप्शन TT बाइंग रेट, बी ऑप्शन बिल्स बाइंग रेट, सी ऑप्शन है TT सेलिंग रेट, डी ऑप्शन है बिल्स सेलिंग रेट। सही ऑप्शन हो जाएगा बी बिल्स बाइंग रेट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है व्हेन देयर इज आउटवर्ड रेमिटेंस एंड हैंडलिंग ऑफ इंपोर्ट बिल्स इज इन्वॉल्व्ड विच ऑफ द फॉलोइंग रेट्स विल बी अप्लाइड। बोलता है जब जहाँ पे आउटवर्ड रेमिटेंस और वहाँ पे हैंडल किया जा रहा है इंपोर्ट बिल्स को तो यहाँ पे कौन सी रेट अप्लाई होती है, ए ऑप्शन है TT बाइंग रेट, बी ऑप्शन है बिल्स बाइंग रेट, सी ऑप्शन TT सेलिंग रेट, डी ऑप्शन है बिल्स सेलिंग रेट। तो सही ऑप्शन हो जाएगा डी बिल्स सेलिंग रेट अप्लाई होगा। क्वेश्चन रेट है व्हेन देयर इज सेल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज बट इंपोर्ट बिल्स आर नॉट हैंडल्ड विच रेट विल बी अप्लाइड। बोलता है जहाँ पे सेल किया जा रहा हो फॉरेन एक्सचेंज और वहाँ पे इंपोर्ट बिल को हैंडल नहीं किया जा रहा हो तो यहाँ पे कौन सी रेट अप्लाई होती है, ए ऑप्शन है क्लीन सेलिंग रेट, बी ऑप्शन है चेक सेलिंग रेट, सी ऑप्शन है TT सेलिंग रेट, डी ऑप्शन है बिल सेलिंग रेट, ई है। और सही ऑप्शन हो जाएगा इसमें सी TT सेलिंग रेट अप्लाई होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट फेमा इज एडमिनिस्ट्रेटेड बाई। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट फेमा को कौन एडमिनिस्ट्रेट करता है, ए ऑप्शन RBI, बी ऑप्शन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सी ऑप्शन है सेबी, डी ऑप्शन है बोथ ए एंड बी, ई ऑप्शन है ऑल ऑफ दिस। तो सही ऑप्शन हो जाएगा डी बोथ ए एंड बी, यानी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट फेमा को एडमिनिस्ट्रेट करती है RBI और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 10 है ए लाइसेंस टू डील इन फॉरेन एक्सचेंज टू ऑथोराइज डीलर्स इशूड बाई। जो लाइसेंस होता है जिसको डील किया जाता है फॉरेन एक्सचेंज में ऑथोराइज डीलर के द्वारा कौन करता है, ए ऑप्शन DGFT और बी ऑप्शन FDIC, सी ऑप्शन RBI, डी ऑप्शन एक्सिम बैंक, ई ऑप्शन बोथ ए एंड सी। सही ऑप्शन हो जाएगा सी RBI करती है। क्वेश्चन इसमें देखिए यहाँ पे प्रॉपर CIB का वीडियो कोर्स का पैकेज ले सकते हैं, सिंपल लेक्चर कोर्सेज होगा, केस स्टडी न्यूमेरिकल का वीडियो होगा, 12,000 क्वेश्चन बैंक होंगे, सुपर नोट्स होंगे, की कमीशन नोट होंगे, एडिशनल मटेरियल होंगे, 30 मॉक टेस्ट होंगे। और दो तरह के CIB का कोर्सेज, एक PPT वीडियो कोर्सेज में CIB KBM या BFM का रिटेल बैंकिंग करें 800 रुपये, CIB KBM प्लस BFM करें 1500 रुपये, CIB KBM प्लस BFM प्लस रिटेल बैंकिंग करें 2000 रुपये। अगर फेस टू फेस वीडियो कोर्स करते हैं सबसे ज़्यादा पावरफुल और सेलिंग वाला कोर्स है उसमें CIB KBM करें, BFM करें, रिटेल बैंकिंग करें 1500 रुपये, CIB KBM प्लस BFM करें 2700 रुपये, CIB KBM प्लस BFM प्लस रिटेल बैंकिंग करें 3500 रुपये। ज्यादा जानकारी के लिए फोन कर सकते हैं, फोन नंबर हो जाएगा 4x9685127, दूसरा नंबर है 7827546946। वेबसाइट में जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, वेबसाइट हो जाएगा www.jibcibstudymaterial.com, ईमेल आईडी हो जाएगा 6913@gmail.com।